महेंद्रगढ़ की श्री गौशाला के प्रांगण में गौ माता ने एक विचित्र बछड़े को जन्म दिया है। इस बछड़े के एक ही जगह पर तीन मुंह दिखाई पड़ रहे हैं। इस बछड़े के नाक के स्थान पर एक कुबड़ सा बना हुआ है और मुंह के साथ दोनों ओर नासिकाएं बनी हुई हैं। इस विचित्र बछड़े को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है और लोग इसे एक चमत्कार मान रहे हैं। गौशाला के प्रधान कैप्टन सुरेंद्र सिंह ने बताया कि पशु चिकित्सक से उन्होंने इस बारे में बात की। आज दोपहर तकरीबन 1:30 बजे गौशाला सुपरवाइजर श्री सोनलाल ने बताया कि साहब एक गाय के बछड़ा हुआ है अभी और वो थोड़ा अब नॉर्मल है, उसके तीन मुंह हैं और नाक दिखाई नहीं देता है। उसी टाइम में उप प्रधान हमारे राव बंसी सिंह सभी यहाँ आए, चेक किया, बछड़ा सामान्य था और दो मुंह उसके तीन मुंह थे, नाक दिखाई नहीं देता था। हमने उसी टाइम डॉक्टर अनिल जांगड़ा को इन्फॉर्म किया, वो मीटिंग में थे, VLDA को बताया, वो भी कुछ देर के बाद यहाँ पर आए, चेक किया, बछड़ा सामान्य था, दूध भी पिलाया है उनको और ये सरसों का तेल भी दिया है और बछड़ा अपने आप खड़ा होकर के घूम रहा है। जिसके बाद डॉक्टर ने मौके पर पहुंच बछड़े के स्वास्थ्य का चेकअप किया। वहीं डॉक्टर ने पाया कि बछड़ा स्वस्थ है और खतरे से बाहर है। बछड़े ने अपनी माँ का दूध भी पिया। और गौशाला महेंद्रगढ़ से हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि एक बछड़ा ऐसे ऐसे पैदा हुआ है जिसको देखो। मैंने तुरंत ही गौशाला पहुंचकर बछड़े का मुआयना किया और डॉक्टर अनिल से मैंने इसके बारे में परामर्श ली। उन्होंने टेम्परेचर वगैरह चेक करने के लिए बोला, मैंने टेम्परेचर नोट किया है इसका, इसका टेम्परेचर नॉर्मल है और बच्चा स्वस्थ है बिल्कुल। इसके तीन मुंह दिखाई दे रहे हैं, ऊपर का होठ है वो कम दिखाई दे रहा है, बाकी इसके फोरहेड पे थोड़ा एक्सेस ग्रोथ का वो निशान आ रहा है, ये नॉर्मल कंडीशन से हटके है और ये वैसे बिल्कुल स्वस्थ है, बिल्कुल इसने दूध पिया है थनों में और ये चल फिर भी रहा है और सारी चीज़ें सामान्य, सिर्फ मुँह मुँह में इसके है। फिलहाल गाय और बछड़ा दोनों ही स्वस्थ हैं। अब इसे कुछ लोग प्रकृति का चमत्कार मान रहे हैं तो वहीं कुछ लोग विज्ञान का करिश्मा। सत्य खबर के लिए महेंद्रगढ़ से राधेश्याम की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।